हमारे मानिक गांव में पुरानी रंजिश के चलते चार लोगों ने गांव के ही एक युवक एसपी सिंह की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। एसपी सिंह को थोड़े दिनों बाद विदेश जाना था, लेकिन उसका यह सपना टूट गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पासपोर्ट तैयार था, वीजे की भी मोहर लग गई थी, बस फ्लाइट उड़नी बाकी थी। लेकिन किसी को कहां मालूम था कि कब कोई घटना घट जाए। करनाल का रमाना रमानी गांव, जहां पर एसपी सिंह खेल कूद कर बड़ा हुआ और अब कुछ दिनों बाद वर्क परमिट पर इटली जाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही गांव के कुछ लोगों ने उसकी लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। दरअसल कल एसपी सिंह अपने छोटे भाई और माता के साथ गाड़ी में माता को दवाई दिलवाने के लिए जा रहा था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। एक व्यक्ति ने मां को पकड़ा और बाकी तीन ने एसपी सिंह पर हमला बोल दिया और उसे लाठी डंडों से जम कर पीटा। छोटे भाई ने अपने भाई को बचाने का प्रयास तो खूब किया, लेकिन वो असमर्थ रहा। उसने आसपास गांव के लोगों को बुलाया, लेकिन तब तक वो आरोपी एसपी सिंह को पीटते रहे। गांव के लोगों को देखकर वो चारों आरोपी भाग गए। आनंद फानंद ने एसपी सिंह को गंभीर हालत में नीलोखेड़ी के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और ज्यादा हालत खराब होने पर उसे करनाल के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उसने आज दम तोड़ दिया। पूरे परिवार में मातम का माहौल है। कुछ दिनों के बाद एसपी सिंह इटली की फ्लाइट पकड़कर विदेश में नौकरी करने के लिए जाने वाला था, लेकिन कल गांव के लोगों ने उसे मार पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वही एसपी सिंह की बहन भी विदेश में रहती है। ये बुरी खबर सुनने के बाद वह परेशान है। अपने भाई का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाएगी, क्योंकि वो सात समंदर पार बैठी है। फिलहाल पुलिस ने गांव के ही चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनको पकड़ने के लिए टीम भी गठित कर दी है, लेकिन आरोपी चारों गांव से फरार हैं। अब एसपी सिंह का पूरा परिवार इंसाफ चाहता है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुरानी रंजिश के इस विवाद ने एक घर का चिराग बुझा दिया। कुछ मतलब साल या छः महीने पहले इनकी बच्चों की आपस में कोई लड़ाई हुई थी, उसकी रंजिश में इन्होंने मौका पाया कि ये अपनी मम्मी को दवाई दिलाने के लिए अपना छोटा भाई लेके साथ, जो भाई का लड़का है उसको साथ लेके और अपनी मम्मी को साथ लेके दवाई दिलाने जा रहा था इस पे बस अड्डे पे गांव के अड्डे पे। वहाँ इनका घर जो कातिल हैं वो उनका घर रास्ते में पड़ता है, उनको देख के ये पीछा कर लिया और आगे मोटरसाइकिल लगा के उनको घेर लिया सामी गांव के चौक पे घेर लिया। तो वहाँ इनको राड और डंडे और बिंडे लेके उनको मतलब घायल व्यवस्था में मतलब मार के अपनी तरफ से मार के छोड़ के भाग गए। फिर लोगों ने हाहाकार की तो लड़के के पिता को पता चला, लड़का का पिता गया तो उसको उठा के वो जल्दीबाजी में घर से भाई की गाड़ी ले के उसमें डाल के तो वो नीलोखेड़ी ले गए। नीलोखेड़ी रात को उन्होंने जवाब दे दिया। फिर कल्पना चावला आए, अमरधारा आए, अमरधारा सुबह 7 बजे डेथ हो गई। कितने साल का था, क्या करता था? ये 19 साल 4 महीने का है। बाहर जाने की तैयारी में था, अभी ये कोरोना की वजह से वो नहीं फ्लैट हो सकी, नहीं तो बाहर जाना था। वो तो हर कोई चाहता है कि हमारा उसको न्याय मिले। हमारे को जवान बेटा अकेला था, माँ बाप का लड़का, एक बहन थी वो भी इटली में, वो भी नहीं आ सकी, भाई का मुंह भी नहीं देख सकना और कल्ला था। इनका तो घर उजड़ गया और मारने वाले तो पहले भी कातिल हैं, गांव में इन्होंने कत्ल किया हुआ, उनके हौसले बुलंद है। आपका नाम? मेरा नाम कुलवंत सिंह है, इटली। आगे बाइक आगे मारी तो मेरे भाई को पकड़ के मारने लगे, चार जने थे, बिंदु के साथ मारा, टूटी वाला पैप था एंड मारा उसको, अच्छी धुलाई करी, छाती पे पैर मारे, टांगों पे डंडे मारे सब एंड मम्मी भी साथ। मम्मी को उन्होंने एक जने पकड़ लिया था, साइड में कर दिया था। आपने प्रयास किया बाहर से लोगों को बुलाया था, लोगों को, लोग आए थे, फिर जब तक लोग आए वो छोड़ के भाग गए। अकेला था उनको छोड़ के, गांव के ही लोग? हाँ जी, गांव के लोग। क्या अब फिलहाल क्या कार्रवाई चाहते हैं? आपका भाई था, बहुत दुख हो रहा है, इंसाफ चाहिए इसके। कितने लोग थे वो? चार लोग। भाई बाहर जाने की तैयारी? कोरोना वायरस के चक्कर में जहाँ फ्लाइट नहीं, तो ये तमाम रोका इनको।
एकदम डंडे बिंडे मार रहे थे इनको। हमने सोचा कोई एक्सीडेंट हो गया दोनों आपस में मोटरसाइकिल का। हम जैसे भाज के गए ना, उन्होंने देख लिया हमको भी आ रहे हैं दूर से, वो छोड़ के भाज के भी एक मान बीच वाली गली बीडी गली उसमें से निकल गए वो सारे सारे। उस टाइम हम इसको उठा के मैं लाया फिर हॉस्पिटल में, तरावड़ी भी लेके गया। फिर करना चोट आई थी, चोट इसकी यहाँ पे छाती पे थी, ये फेफड़े में मतलब ब्लड आने के कारण सांस नहीं ले पाया, और कमर में ये लात नीचे से लाते भी पट रही है इसकी, चोटें बहुत ज्यादा थी। मतलब अच्छी तरह उन्होंने मारने के इरादे में ही मान इसको चोट मारी, हत्या करने के इरादे से, हत्या करने के इरादे में। क्या मांग चाहते हैं, कौन लोग हैं, क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है आपको लग रहा है पूरे मामले? हाँ मतलब इन्होंने हमको दिया थोड़ा आश्वासन भी हम कार्रवाई करेंगे, और अपना इनका कल्ला कल्ला हमारे लड़का था, इनका तो मान ली घर बर्बाद ही हो गया बेचारे का। बाकी देखते हैं मतलब पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आपका नाम है? मलकीत सिंह। शाम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गाँव में झगड़ा हुआ है, और इस लड़के की हमारे को एस पी सिंह की हमारे को MLR प्राप्त हुई थी, और फिर ये उसको फर्स्ट एड के लिए नीलूखेड़ी ले गए थे, जहाँ से रेफर होके फिर ये अमृतधारा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो सुबह हमारे को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो जांच अपना इलाज के दौरान एक्सपायर हो गए हैं, जिस सूचना पर हम यहाँ पर आए हैं, और उसकी जो कार्रवाई कर रहे हैं, इनके बयान के स्टेटमेंट जो इन्होंने दी है उसके फादर ने, उसके बिहाफ पे हमने FIR लॉन्च की है, और उनकी तलाश के लिए जो हमारे आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए टीम्स हमने रवाना की। कितने आरोपी हैं, कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, कितनों को आपने या कोई हिरासत में भी लिया है? अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया है, और जो आरोपियों के नाम है वो अभी मैं नहीं बता सकता। कितने आरोपी? गाँव के ही आरोपी? गाँव के ही आरोपी जी, वो फरार हैं अभी गाँव से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.